हमारे घर का खर्चा भी पूरा करवाए। मैं ठीक नहीं था तो रात को उल्टियाँ आ रही थी। पापा कहते हैं, मैंने कहा पापा ये बोतल पी नहीं। पापा कहते इस दुकान है बंद हो गई सुबह उठ के। मामा से पैसे लाए बोतल पी है ना। सुबह स्कूल गया, स्कूल से आया तो घर पर आएगा पापा बहुत हो गया। एक्सीडेंट हो गया उत्थे गए हैं तो अगों मेरे जान तो अगों मोटरवे वाले चुक के लै गए से अगे हस्पताल गए हैं तो उत्थे खत्म होया से। एक दिन पहले जब रात को मेरा खाविंद काम से वापस आया था तो उसने मुझसे पूछा था कि शकीला मुझे घर में मिलने के लिए कोई खातून और मर्द आए थे। मैंने कहा नहीं, क्या मामला है? तो उसने बताया कि दुकान पर एक औरत और मर्द मुझे तलाश कर रहे थे। तमाम रात वो इस बारे में ही सोचता रहा था। सुबह वो नाश्ता करके घर से निकला। बच्चा बीमार था, मैंने कहा कि जल्द आ जाना, उसकी दवाई भी लानी है। उसने कहा कि ठीक है, फिर वो वापस नहीं आया। मकतूल के वर्सा ने वजीर अला पंजाब से मुतालबा किया है कि वो पुलिस को हदायत करें कि कातलों का सुराग लगाकर उन्हें कैफे करदार तक पहुंचाया जाए। लाहौर में एक शादीशुदा खातून मोहल्लेदार नौजवान पर फिदा हो गईं, मगर खाविंद की वजह से मुलाकातों में रुकावट आई तो खातून ने अपने दोस्त पुलिस अहलकार के साथ मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। फैक्ट्री के इलाका सतारा कॉलोनी का रहायशी गुलाम फरीद साइकिल पर मुख्तलिफ अकसाम के तेल बेचकर गुजर बसर करता था। उठे उठे, काम पे नहीं जाना। नहीं, आज तबीयत खराब है। जाओगे नहीं तो रात को खाना कहाँ से खाओगे? आज कल का ही सानन निकाल लो, आज मैं छुट्टी कर लेता हूँ। अच्छा, मैं देखती हूँ। 21 दिसंबर की रात नामालूम अफराद उसके घर आए और फायरिंग करके उसे हलाक कर दिया। मकतूल की बीवी नसीम बीबी ने पुलिस को बताया कि घर में डाकू आए थे जिन्होंने मजामत पर गुलाम फरीद को कत्ल कर दिया। तो इन्वेस्टिगेशन के में हमें 3-4 क्लूज थे जिन पे हमने काम किया और जो मौके पे ही हमें 3-4 ऐसी शहादतें मिली थी, हमने फिर उन लाइंस पे उसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। तफ्तीश के दौरान मकतूल की बेवा नसीम को शक की बिना पर हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने एतराफ़े जुर्म कर लिया। देखो, हम एक पुलिस वाले हैं, हमें बकवाना भी आता है, सीधी तरह खुद ही बता दो। फार्मूला इस्तेमाल करो, ये खुद ही सब कुछ बताएगी। मकार और बताती है तो ये ड्राइंग रूम की सैर कराऊं मैं। सर जी, मैंने मारा। ले जो इसे, ये पहले ही पता था। उसका कहना था कि उसके मकामी रहायशी कांस्टेबल शाहिद मंजूर के साथ ताल्लुकात थे जिनमें वो अपने खावंद को रुकावट समझती थी। अब ऐसा कुछ सोचना होगा। मैं तो कहता हूँ इसको पार कर देते हैं। आज रात तुम उसको नींद की गोलियां दे देना और मुझे बता देना, मैं साथियों के साथ आकर उसको कत्ल कर दूंगा। थोड़ा तुम उसको डकैती का रंग दे देना। देखो कोई काम खराब ना हो जाए। मेरे ऊपर फिक्र ना कर। जिस पर उसने शाहिद मंजूर के साथ मिलकर अपने शोहर गुलाम फरीद को रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया और 21 दिसंबर की रात उसे चाय में नशावर गोलियां पिलाकर बेहोश कर दिया, जिसके बाद मंसूबे के तहत शाहिद भी मौके पर पहुंच गया और उसने फायरिंग करके गुलाम फरीद को हलाक कर दिया।
पुलिस ने मुलजमा की निशानदेही पर शाहिद मंजूर को भी गिरफ्तार कर लिया है। क्योंकि पहली जो बात थी कि उस घर का जो दरवाज़ा था वो अंदर से बंद होता था, उस रात को खुला हुआ था और उस घर में दो कमरे थे, बराबर में जो भाई का कमरा था वो बंद था, जिस कमरे में वारदात हुई है उसका दरवाज़ा खुला हुआ था, तो हमें शक हुआ कि घर के अंदर ही कोई चीज़ ऐसी है। तो फिर मजीद इन्वेस्टिगेशन से ये चीज़ साबित हुई कि जो ग़ुलाम फरीद जो कि मकतूल है, उसकी जो बीवी थी नसीम, उसका एक शाहिद नामी बंदे से एक मुआशका चल रहा था जो कि कांस्टेबल भी था पुलिस में, और उन्होंने मिलके ये वारदात प्लान की। मुल्ज़म शाहिद मंजूर पुलिस लाइंस में तैनात और गैर शादीशुदा है। उसने बताया कि मकतूल अपनी बीवी नसीम बीबी पर तशद्दुद करता था, जिसकी वजह से उन्होंने उसे रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया। एक साल से मेरी उसकी दोस्ती थी, उसका मियां जब वो मारता था उसे, तशद्दुद करता था उसको, सर वो हर रोज मारता था उसे, इस वजह से गुस्सा आया और उसे मार दिया। पर दुख है, अल्लाह ताला से माफ़ी मांग रहा है कि अल्लाह माफ़ कर, गलती हो गई। पुलिस ने मकतूल की बीवी और उसके साथ मिलकर कत्ल का इर्तकाब करने वाले मुलजम को गिरफ्तार करके आलाए कत्ल और तलाई जेवरात बरामद कर लिए। मकतूल के वर्सा ने मुतालबा किया है कि मुलजमों को इबरतनाक सजा दी जाए। इस्लामाबाद के नवाही इलाके में दरिंदा सिफत शख्स ने मामूली तनाजे पर फायरिंग शुरू कर दी और उसके पिस्तौल से निकलने वाली गोली एक कमसिन लड़की के गले में पैवस्त हो गई। जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला रहने वाली हाजरा कई दिन से अस्पताल में जेरे इलाज है, मगर उसके गले में फंसी गोली नहीं निकाली जा सकी। हमारे मुआशरे में आतिशी असलहे से खेलना और अपनी मर्दानगी जताने के लिए इसका इस्तेमाल रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। वफाकी दारुल हुकूमत के नवाही इलाके तरामड़ी में भी ऐसा ही एक खतरनाक वाकया पेश आया, जहां पर रिहायश पजीर आरिफ की जमासाला बहन को इसी मोहल्ले में रहने वाला सोहेल नामी लड़का अक्सर तंग करता था। लड़की जब भी अपने घर से बाहर निकलती तो सोहेल इस पर जुमले कसता, जिससे तंग आकर जरीना ने तालीम भी छोड़ दी। रिश्ता मांग रहे थे लेकिन उसके वालिदैन इस पे एग्री नहीं थे, तो हम इस सूरत में उनको देना नहीं चाह रहे थे कि फैमिली उनकी एग्री नहीं है और वो खुद अपने तौर पे इतने जिम्मेदार नहीं हो कि वो हमारी बच्ची को संभाल सकें। बहन दरस जाती थी, उसके पीछे लगता रहता था, काफ़ी अरसा उसका पीछा वगैरह करता रहता था, हमें नहीं पता था, तो इसी वजह से उसके पीछे पड़ा रहता था, फिर उसने दास जाना भी छोड़ दिया। सोहेल और आरिफ की बहन के दरमियान शादी ना हो सकी और जरीना की शादी दूसरी जगह कर दी गई, जिसका सोहेल को रंज था। वकूए के रोज भी सोहेल ने आरिफ के घर आकर हंगामा आराई की और हवाई फायरिंग शुरू कर दी। सोहेल के पिस्तौल से निकलने वाली गोली आरिफ की कमसिन भतीजी हाजरा के मुंह पर जा लगी, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो गई। एक ही गोली लगी है मुँह में, लगी होंठों के अंदर, तो उसकी छः दांत टूट गए उससे और जबड़े की हड्डी भी टूट गई है। अब उसका ऑपरेशन और गोली अभी अंदर है। इसका जबड़ा सारा टूट गया और छः दाने, पांच ऊपर वाली और एक नीचे वाली, आगे वाले दांत से पीछे पीछे सारे टूटे हुए। थाना कुराल की पुलिस ने एकदमे कत्ल का मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन मुलजिम की गिरफ्तारी में संजीदा नहीं, यहां तक कि पुलिस हुकाम भी इस सिलसिले में कोई बात करने को तैयार नहीं। पुलिस ने तो हमारा पर्चा उसी दिन दर्ज कर लिया था, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और मुलजिम यही दंदनाते फिर रहे हैं और मुख्तलिफ चैनल से वो हमें धमकियाँ दे रहे हैं और हम पे दबाव डाल रहे हैं कि हम उनके साथ सुलह करें, तो इसीलिए पुलिस ने मौका दे फराम कर लिया कि हमें प्रेशराइज करके किसी तरह हमारे साथ सुलह कर लें और वो गिरफ्तारी से बच जाएं। कमसिन हाजरा अब ना तो बोल सकती है और ना ही कुछ खाने के लायक है। डॉक्टर्स के मुताबिक अगर हाजरा के जबड़े में फंसी गोली निकाली गई तो हाजरा की सेहत मजीद बिगड़ सकती है। डॉक्टर्स कह रहे हैं ऐसी जगह पर इशारा के साथ है तो हो सकता है कि वो गोली निकालने से उसको साइड इफेक्ट्स हों, उसकी नज़र चली जाए या उसको लकवा हो जाए। उसने बेकसूर बच्ची छोटी पे गोली क्यों चलाई, उसको सजा मिलनी चाहिए। ये लोग तो ये आदी हैं कत्ल करके, तो ये पैसे दे के तो भाग जाते हैं, इन्हें कोई पकड़ता नहीं है, ये डरते नहीं हैं। किसी के घर के आके जाके इस तरह फायरिंग करनी, उधर कोई 10 बच्चे खड़े थे, किसी और को भी लग सकती थी। समाजी माहरीन का कहना है कि असर रसूख रखने वाले मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस की अदम संजीदगी हाजरा जैसे मुतासरीन के लिए किसी अजियत से कम नहीं। कैमरामैन नदीम शेख के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, इस्लामाबाद।
कराची में अगवा बराए तावान की बढ़ती हुई वारदातों में अगवाकारों के तीन बड़े गिरोह मुलव्वस हैं जो शहर में अगवा की वारदातें कर रहे हैं। पुलिस ने ऐसे गिरोहों में शामिल 20 अरकान की निशानदेही की है। कराची में बिजली की बंदिश और भत्ताखोरों की यलगाड़ ने कारोबारी हलकों को तबाह कर दिया, मगर अगवा बराए तावान की वारदातों में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है जो एक मुनाफा बख्श कारोबार की शक्ल इख्तियार कर चुका है। यहाँ पर ताजिर, सनतकार और इनके बच्चों के अलावा वो लोग भी अगवाकारों का शिकार बनते हैं जो इन्हें मुंह मांगे पैसे देते हैं। अगवाकार किसी भी शख्स को अगवा करने के बाद शहर से बाहर ऐसे इलाके में ले जाते हैं जो पुलिस के लिए नो गो एरिया होता है और पुलिस इन जगहों पर जाने से घबराती है। पुलिस खुद इन्वॉल्व है, पुलिस को सारे उन्हीं की सरपरस्ती काम हो रहे हैं, बगैर किसी उनकी सरपरस्ती कोई काम कर ही नहीं सकता। मुल्क में हमारी लूटामारी का बाजार गर्म है बिल्कुल, और हमारी पुलिस को चाहिए कि ईमानदारी से तरीके से कहते काम करे, मतलब बड़ों को गवर्नमेंट को कहते हैं इस लेवल पे काम करना चाहिए ताकि कानून की पासदारी हो। जब जराइम हो जाते हैं उसके बाद जो है पुलिस की आपको नज़र आएगी, जराइम से पहले जराइम के वक्त आपको पुलिस अगर मौजूद भी होगी तो कोई एक्शन लेती हुई कभी नज़र नहीं आएगी। कराची में अगवा बराए तावान के खिलाफ काम करने वाली एंटी वायलेंट क्राइम सेल के सरबराह SSP गुलाम सुभानी ने क्राइम सीन की टीम को बताया कि कराची समेत सिंध भर में अगवाकारों के तीन गिरोह सरगर्म हैं जिनमें शामिल अफराद की तादाद 20 के करीब है। 20 आदमी हैं, इन टोलों में काम करते हैं। एक टोला जो है गफूर बुगटी का है, गफूर बुगटी हजारों मरी है आईडोम की। ये जो है ये खास कर के नादरन बाईपास पे आगे सकरान नंदी है वो क्रॉस करते हैं, फिर इनको उधर बलूचिस्तान में जो है उधर पनाह मिलती है। दूसरी गैंग है ये वज़ीर ममदानी की, ये कंदकोट से ताल्लुक रखता है, इसके अपने बंदे हैं, भाई हैं, भतीजा है, कज़न है, पूरी गैंग बनाई है। तीसरी गैंग है जमील बिरोही की जो मीरपुर खास में आजकल बड़ा उधर ये काम कर रहा है। SSP AVCC का कहना था कि अगवा बराए तावान में मुलविस मुल्जमान को न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि इनके कब्जे से असला बरामद करने के अलावा अगवा शुदा अफराद को बाजियाब भी कराया है। बिन कासिम टाउन से बैंकर अगवा हुए थे, उनको 3 दिन इधर ही किसी घर में रखा था, फिर ये ट्रक में जिसमें भैंसे में से ले आते हैं लोकल ट्रक जो है उसमें डाल के तीनों बैंकरों को नशे आवर चीज़ पिलाई उनको, वो शाह बेलों में ले गए। फिर हमने ट्रेस किया इनको RPS लोकेशन की मदद से, हम उधर पहुँचे, बाकायदे डाकुओं के पास भी किश्ती थी, हम भी किश्ती में गए अंदर, बाकायदे काउंटर हुआ, 3 मगरबी भी हमने उधर से बरामद किए, 3 डाकू भी पकड़ लिए हमने। अगवाकारों के खिलाफ काम करने वाले सेल के सरबराह का कहना है कि इनके साथ CPLC और दीगर हसास इदारे भी काम कर रहे हैं, लेकिन जराइम पेशा अफराद को जहां मौका मिलता है वो अपनी वारदातें करते हैं, मगर शहरी इन अगवाकारों के खिलाफ अदालतों में जाने से घबराते हैं। उन पे भी हम काम कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला, CPLC, ISI, MIA वो हमारी बड़ी मदद कर रहे हैं, उनके नंबर हम ट्रेस करते हैं, इंशाल्लाह पकड़ लेंगे उनको भी। फोटो में अदालत में जो है जो गवाह है हमारे वो मुनरफ हो जाते हैं, डरते हैं उनसे। कराची पुलिस की तरफ से अगवा बराए तावान में मुलविस गिरोह के 20 अफराद का सुराग लगाना इंतहाई अहम बात है, मगर इसकी अहमियत उस वक्त तक मशकूक रहेगी जब तक इसमें शामिल बाकी अफराद को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता। कैमरा टीम के साथ खुर्रम गुलजार, समा कराची।